मध्य प्रदेश के कई शहरों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें हिल स्टेशन पचमढ़ी सबसे ठंडा स्थान बन गया है। शनिवार रविवार की दरमियान रात यहां का पारा 12.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो कि पिछले कुछ समय में 15 डिग्री से कम रहा। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी ठंड बढ़ गई है, जिससे स्थानीय निवासियों को सर्दी का एहसास होने लगा है। हालांकि नवंबर के सामान्यतः ठंड गर्मी के साथ बारिश का ट्रेंड देखा जाता है, लेकिन इस बार इसकी संभावनाएं कम बताई जा रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर में सिस्टम की एक्टिविटी में कमी रहेगी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से सक्रिय होने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जैसे कि प्रदेश के ऊपर कोई भी सिस्टम लागू न होने के कारण अभी मौसम खुला हुआ है। धुंध की स्थिति पूरे प्रदेश भर में बनी हुई है और जो दिन में मौसम खुले रहने के कारण टेम्परेचर अधिक चल रहे हैं। नॉर्मल टेम्परेचर से जैसे भोपाल की बात करेंगे, अधिकतम तापमान 33 और इंदौर में भी 33, ग्वालियर में 34, जबलपुर में 33 के आसपास। सबसे अधिक जो टेम्परेचर दर्ज किया गया है वो खजुराहो में 35.6 दर्ज किया गया, और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम सबसे कम दर्ज किया गया मंडला में 13.6, और पचमढ़ी की बात करेंगे तो 12.4 दर्ज किया गया। और लगभग ये मौसम लगभग इस हफ्ते लगभग ऐसे ही बना रहने की संभावना है, लेकिन जो ठंड की आसार है जो 15 तारीख के आसपास उम्मीद कर सकते हैं कि टेम्परेचर गिरना स्टार्ट होंगे। ठंड का जो एहसास अच्छा से होगा वो 15 तारीख के बाद हो सकता है। धन्यवाद। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक भयावह बस हादसे में 36 यात्रियों की जान चली गई। यह हादसा तब हुआ जब बस 42 यात्रियों को लेकर रामनगर जा रही थी। बस को सफर के 30 मिनट बाद एक झटका लगा, जिसके चलते ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और बस 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे के तुरंत बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। स्थानीय पुलिस, SDRF और NDRF से मिलकर बचाव कार्य शुरू किया। गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया और CM पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। CM ने पौड़ी और अल्मोड़ा के क्षेत्र के RTO प्रवर्तन को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई, और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज्यादा स्कल में इंजरीज थी, उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है, और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश है जिनको भी और आयर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। मौके पे हमारी SDRF की टीम है, SDM प्रशासन है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे भी वर्तमान में चल रहा है, और रामनगर में जहाँ पे अभी हम हैं यहाँ पे जो घायल लोग हैं उनका भी उपचार चल रहा है। सर, यहाँ युवा पहुँचे हैं ब्लड डोनेट के लिए, काफी जो है जनता यहाँ सपोर्ट के लिए पहुंची है, तो आपका क्या कहना रहेगा, क्या अपील रहेगी जनता से? देखिए, इस तरह की आपदाएं जब भी होती हैं, दुर्घटनाएं जब भी होती हैं, पहला रेस्क्यू हमेशा लोकल्स की ओर से आता है क्योंकि वो सबसे पहले वहाँ पे मौजूद होते हैं। उस केस में भी आज यहाँ पे ये देखने को मिला है, और पहाड़ों में विशेषकर जहाँ पे कि थोड़ा जो रिएक्शन टाइम है वो डिस्टेंस की वजह से दूर हो जाता है, कई बार शैडो एरिया में जगह होती है उसकी वजह से दूर हो जाता है, तो ये यहाँ पे अच्छा। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। झारखंड के कांके विधानसभा में जनसभा, रायपुर में सामाजिक संगठनों के साथ बैठक, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज झारखंड और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं और बैठकें करेंगे। उनका यह दौरा चुनावी माहौल में पार्टी की स्थिति को और मजबूत करने के उद्देश्य से है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल से रांची के लिए रवाना होंगे। वे झारखंड के कांके विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी
डॉक्टर जीतू चरण राम के समर्थन में जनसभा करेंगे। यह जनसभा रांची जिले के SCC ग्राउंड खेलारी में आयोजित होगी। जनसभा के माध्यम से मुख्यमंत्री यादव क्षेत्रीय मतदाताओं से पार्टी के समर्थन की अपील करेंगे और प्रत्याशी की जीत के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 3:40 पर रांची के रायपुर पहुंचेंगे, जहां वे रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव को मद्देनजर एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक छेछवार भवन पुरानी बस्ती में शाम 4 शुरू होगी, जिसमें सामाजिक संगठनों के प्रमुख के साथ चर्चा कर पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य पार्टी के प्रत्याशियों को विभिन्न सामाजिक संगठनों का समर्थन दिलाना और चुनावी समीकरणों को पक्ष में करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाम 6 नया रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी उपस्थित रहेंगे। राज्योत्सव में शामिल होकर डॉक्टर मोहन यादव छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का समर्थन करेंगे।